जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल द्वारा तारक मेहता का उल्टा चश्मा को मेकर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के कुछ दिनों बाद पूर्व अभिनेत्री मोनिका भदौरिया ने भी निर्माता असित मोदी और प्रोजेक्ट हेड सुहेल रमानी पर प्रताड़ित करने के चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। मोनिका ने 2023 से 2019 तक 6 साल तक हिट सिटकॉम शो में बावरी ढूंढू लाल कन्वरिया की भूमिका निभाई। हाल ही में एक साक्षात्कार में अभिनेत्री ने कहा कि निर्माताओं ने शो छोड़ने के बाद एक साल के लिए उसके भुगतान को जारी करने से इनकार कर दिया। इस शो को छोड़ने वाले गुरचरण सिंह, जेनिफर मिस्त्री, राज अनाथकट और शैलेश लोढ़ा जैसे लोगों को भी यही हश्र हुआ। असित मोदी को बड़ा झूठा करार देते हुए मोनिका ने कहा कि असित मोदी और सोहेल रमानी सेट पर कलाकारों को अपमानित करते हैं। अभिनेत्री ने बताया, उन्होंने मुझे इतने बड़े स्तर पर प्रताड़ित किया कि मुझे लगता था कि यहाँ काम करने से बेहतर है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। उन्होंने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, वो मुझ पर चिल्लाते थे और दुर्व्यवहार करते थे। सोहेल कहते थे कि हम आपको भुगतान कर रहे हैं, इसलिए हम जो भी कहते हैं वो आपको करना है। मोनिका ने आगे आरोप लगाया कि निर्माता ने उसके करियर को बर्बाद करने की धमकी दी थी। असित कुमार मोदी ने मुझे मुंबई में काम नहीं करने देने की धमकी दी थी। मैं पहले से ही अपनी मां को खोने के मानसिक आघात से गुजर रही थी और यहां वो मुझे मेरा करियर बर्बाद करने की धमकी दे रहे थे। वास्तव में इससे मेरे करियर पर प्रभाव पड़ा। मैं बाद में काम करने के लिए संघर्ष कर रही थी। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।